कलम है तू, तू है नशा गुलाम है दिल ये तेरा, खुल के जरा जी तुझे आजा मेरी सांस मरीज है सो हे गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हो आप सब, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस फिर से एक न्यू ट्रेंडिंग वीडियो एडिटिंग लेके आ गया हूँ। तो अभी जो आपने वीडियो की स्टार्टिंग में प्रीव्यू देखा है, तो गाइस आज की इस वीडियो में कुछ इसी तरह का न्यू ट्रेंडिंग सैड स्टेटस बनाने वाले हैं। यानी इमेजेस तो गाइस आप किसी की भी यूज कर सकते हो, बट यहाँ पर आज जो सॉन्ग करने वाले फुल सैड वाली सॉन्ग है, ठीक है। उसके ऊपर मैं बॉयज की फोटो के ऊपर मैं स्टेटस बनाने वाले हैं। वैसे तो गाइस गर्ल्स की फोटो के साथ एडिटिंग करता हूँ, लेकिन आज मैं सोचा कि यार थोड़ा चेंज करते हैं, तो बॉय के ऊपर भी स्टेटस बनाते हैं थोड़ा सैड सॉन्ग के ऊपर में। सो गाइस अभी जो आपने वीडियो की स्टार्टिंग में प्रीव्यू देखा नहीं, तो कुछ इस तरह का स्टेटस वीडियो बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। गाइस इस एप्लीकेशन का नाम है अलाइट मोशन, और अगर आपके पास अलाइट मोशन एप्लीकेशन नहीं है तो उसको आप सिंपली गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो गाइस सबसे पहले आपने क्या करना है, बीटमैन प्रोजेक्ट और प्रीसेट को इंपोर्ट कर लेना है। तो दोनों को एक एक करके क्लिक कर लेना, ये रीडायरेक्ट कर देगा लाइट मोशन में। तो यहाँ पर इंपोर्ट की ऑप्शन में क्लिक करके दोनों को आपने एक एक करके इंपोर्ट कर लेना होगा, एक HDR और एक यहाँ पर एक ये बोला गज पूरा प्रोजेक्ट मिल जाएगा। इसमें आपको नीचे सॉन्ग देखने को मिल जाएगा, लिरिक्स मैंने कुछ इस तरह से लिख कर रखा हुआ है, लेकिन अगर आपके लिरिक्स की टेक्स्ट कुछ इस तरह से नहीं दिख रहा है तो गज मैं आपको बताऊँगा इसको चेंज कैसे करना है, ठीक है। और इधर जो है ना गज, इधर आपको बस फोटो को अपना ऐड करते हुए चले जाना है वीडियो के एंड तक, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब गाइस बहुत सारे भाई बोलेंगे कि ये बीटमैन प्रोजेक्ट का लिंक कहाँ मिलेगा, तो भाई देखो अगर आपको हमारी टैम्पलेट मटेरियल्स को डाउनलोड करना नहीं आता या लाइट मोशन में इंपोर्ट करना नहीं आता, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखा हूँ कि मेरे मटेरियल्स को कैसे डाउनलोड करते हैं। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके अपने डाउनलोड कर लेना होगा, मतलब देख लेना उस वीडियो को, ओके। सो गाइस सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर देखो लिरिक्स वाला जो है ना गाइस इसको क्लिक कर लेना, एडिट टैक्स में आके 3 डॉट पे क्लिक करके व्यू ऑल फॉन्ट्स पे क्लिक करके 3 डॉट पे आके इंपोर्ट फॉन्ट्स पे क्लिक कर लेना। जो फॉन्ट मैंने दे रखा फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना, जहाँ भी डाउनलोड करके रखोगे तो फॉन्ट ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने सर्च कर लेना होगा, क्योंकि गाइस मैं सर्च ही करूँगा नहीं तो मुझे ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा। ये फॉन्ट का नाम है लेमन मिल्क मीडियम, इसको सिलेक्ट कर लेना। देखो आपकी टैक्स कुछ इस तरह से हो जाएगी, दूसरी लिरिक्स को भी कुछ इस तरह से हमने सिलेक्ट कर लेना, तीसरी लिरिक्स को भी गाइस आपने सिलेक्ट कर लेना, आपकी टैक्स ऑटोमेटिक कुछ इस तरह से हो जाएगी सिलेक्ट करते हुए, ठीक है। जब गाइस ये सिलेक्ट करोगे ना सभी लिरिक्स में, तो आपको यहाँ पर एक चीज़ और मिलेगा, तो लिरिक्स को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे इफेक्ट पे आओगे तो ये एक फेड इन आउट का ऑप्शन होगा, इसे ऑफ कर रखा हूँ, तो ऑन कर लेना। जितना भी लिरिक्स होगा सबको कुछ इस तरह से क्लिक करके आपने ऑन कर लेना, इधर भी क्लिक करके ऑन कर लेना, डन गाइज इधर भी क्लिक करके ऑन कर लेना। तो वीडियो में गाइज जितना भी लिरिक्स है ना सभी पर कुछ इस तरह से आपने क्लिक कर लेना और इन सभी को गाइज ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद ऊपर देखो अब इमोजी वाला ऑप्शन मिलेगा गाइज, अब इसको क्लिक कर लेना और एडिट टैक्स में आके गाइज इसको डिलीट कर लीजिएगा। जो इमोजी लगाना चाहिए तो टैप करके रखना, बहुत सारा यहाँ पर इमोजी आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा, तो सिंपली आपने सेलेक्ट करके डन कर लेना। तो गाइज हमारा इतना काम हो चुका है, अब यहाँ पर देखो गाइज कुछ नहीं इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा लिरिक्स, ओके। अब हमने क्या करना है, वीडियो की स्टार्टिंग में आके प्लस के ऑप्शन में क्लिक करके एक गाइस यहाँ पे शेप को ऐड करके 3 डॉट पे आके फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक कर लेना। अब इसकी ड्यूरेशन को हमने वहाँ तक करना है जहाँ तक अपनी लिरिक्स की ड्यूरेशन है गाइस, तो अपनी लिरिक्स की ड्यूरेशन यहीं तक है, देख सकते हो तो यहाँ पर 14 सेकेंड तक, तो यहाँ तक कर देंगे क्लिक करके। कलर एंड फिल के ऑप्शन में आके इसकी कलर हमने ब्लैक सेलेक्ट करके बैक हो जाना, इफेक्ट पर क्लिक करके एड इफेक्ट पर क्लिक कर लेना, इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना और सिंपल स्टार फील्ड की ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर गाइस स्टैंडर्ड सेटिंग्स को ऑन कर लेना। स्केल को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे यहाँ पे, और साइज को भी गाइस इंक्रीज कर लेना 500 से प्लस कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर गाइस एक ऑप्शन और मिल जाएगा जेड का, इसको सिलेक्ट कर लेना वीडियो की स्टार्टिंग में, सॉरी गाइस यहाँ पे वीडियो की स्टार्टिंग में आके एक प्लस की ऑप्शन लगा देना और एक प्लस की ऑप्शन इसी शेप की एंड में आके लगा देना, और कुछ इस तरह से आपने इसको भी 1000 से प्लस कर लेना। बैक होकर ब्लेंडिंग एंड ओपासिटी में आकर लाइटन में आकर स्क्रीन की ऑप्शन को इनेबल कर लीजिएगा। सो फाइनली गाइस यहाँ पर हमारी लिरिक्स बन के रेडी हो चुकी है, ओके। अब इधर गाइस हमारी इमेज
को ऐड करना है तो सबसे पहले गाइस इमेज को हमने क्रॉप करना है 9.16 की साइज में। तो क्रॉप करने के लिए बैक होकर गाइस यहाँ पर अलाइट मोशन का ही मैं यूज करूँगा, चाहे तो आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर सकते हो जैसे कि पिक्सआर्ट, पिक्सल लैब, उनका भी लिंक आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, तो जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी मैं यहाँ पर इसी को क्लिक कर लूँगा प्लस के ऑप्शन में आके, और यहाँ पर 9.16 की साइज को सिलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट में क्लिक कर लूँगा। प्लस पे क्लिक करके मीडिया के ऑप्शन में आके गए सिंपली यहाँ पर गैलरी में आ जाता हूँ। गैलरी से गाइस यहाँ पर जिस भी मॉडल एक्ट्रेस जिसकी भी इमेज से वीडियो बनाना चाहते हो उनकी इमेज को आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिखा देता हूँ, मैं देखो मैं इस वाले फोटो को मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ऐड करने के बाद मूव एंड ट्रांसफर में आकर थर्ड ऑप्शन में क्लिक करके कुछ इस तरह से फोटो को जूम करके फुल स्क्रीन कर लेना, देन बीच में सेंटर में फिक्स कर लेना। अभी गाइस इस ऑप्शन में क्लिक करके और यहाँ पर इस PNG के ऑप्शन में क्लिक करके एक्सपोर्ट करके इसको सेव कर लेना, तो कुछ इस तरह से 25-30 फोटो आपने बना लेना होगा। मैंने पहले से बना कर रखा हुआ है, तो बैक होकर उसी प्रोजेक्ट में हम दोबारा आ जाएंगे, ओके। अब जो हम 25-30 फोटो बनाएंगे ना गाइस, अब एक एक करके ये जो ग्रीन वाला जितने दिख रहा है एंड तक हमारे, जिसमें लिखा है ऐड योर इमेजेस, तो क्लिक कर लेना कलर एंड फिल के ऑप्शन में आके इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैं अलाइट मोशन की फोल्डर को सिलेक्ट करूँगा क्योंकि मैंने अलाइट मोशन से ही गाइस कुछ इस तरह का फोटो एडिट किया था, ठीक है। और सिलेक्ट करके कुछ इस तरह से हमने ऐड कर लेना, ठीक है। उसके बाद फिर से क्लिक कर लेना कलर एंड फिल के ऑप्शन में आके इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट इमेज को ऐड कर लेना यहाँ पे, ठीक है। फिर से इधर भी क्लिक करके कलर एंड फिल के ऑप्शन में आके फिर से गाइस यहाँ पर आपने नेक्स्ट इमेज को सिलेक्ट कर लेना। तो गाइस बस यहाँ पर एक एक करके क्लिक करते जाना और वीडियो के एंड तक आपने क्लिक करके यहाँ पर अपनी फोटोज़ को ऐड कर लेना। यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी फोटो में करके दिखा रहा हूं, तो कुछ इस तरह से आपने आप खुद ही वीडियो की एंड तक आपने कर लेना होगा गाइज, ओके। इतना कुछ करने के बाद अब अपने बैक होके प्रीसेट में आ जाना होगा, जो मैंने आपको HDR प्रीसेट दिया है। तो देखो ये वाला प्रीसेट मिल जाएगा, इसमें आपको चार इफेक्ट मिल जाएगा, तो एक को सिलेक्ट करना, दो तीन और चारों को सिलेक्ट करके प्लस में आके कॉपी फोर लेयर कर लीजिएगा और उसी बीट मार्क में आ जाना। अब गाइज हमने वहां पर आना जहां पर हमारी लिरिक्स खत्म हो जाती है, 14 सेकंड तक आ जाना है। जैसे लिरिक्स खत्म होगा गाइज वैसे ही यहाँ से हमने क्लिक कर लेना होगा यहाँ से, ठीक है, और प्लस में क्लिक करके पेस्ट फोर लेयर कर देना होगा। अब देखो गाइज इधर हमारे लिरिक्स प्ले होने लग जाएगा, और जैसे गाइज इधर लिरिक्स खत्म होगा ना, उसके बाद में गाइज हमने जो इमेज जो ऐड किया ना, कुछ इस तरह से गाइज आपको इमेज देखने को मिल जाएगा गाइज, ओके। सो आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फाइनली आप वीडियो के एंड तक इमेज को ऐड कर लेना, मैंने आपको बता दिया है। अब इस ऑप्शन में क्लिक कर लेना और एक्सपोर्ट की ऑप्शन में क्लिक करके इस वीडियो को अपने गैलरी में सेव कर लेना होगा। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना गाइस, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।